हेलो दोस्तों, डेढ़ सौ लोग एक नया एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं DSLR तो यूज कर लेता हूँ क्योंकि मैं कैनन का 200D मार्क भी यूज करता हूँ, लेकिन दोस्तों मुझे बहुत सारी ये कंप्लेन आता है कि मेरा वीडियो में जो लाइटिंग कंडीशन है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बल्कि मैं आपको आज मेरा नया लाइटिंग सेटअप के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कि मैं अपने लाइटिंग सेटअप में क्या क्या चेंजेस किया हूँ, जिससे आपको ये जो वीडियो क्वालिटी है थोड़ा बहुत आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जबकि मैं ISO बिल्कुल मैं मिनिमल में रखा हूँ, तब भी दोस्तों मेरा जो वीडियो का जो क्वालिटी है तकरीबन अच्छा आपको लग रहा होगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने नहीं किया, और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लाइटिंग सेटअप के बारे में बात करें तो मैं पहले जो सेटअप यूज़ करता था दोस्तों, नॉर्मल जो LED लाइट है, नॉर्मल जो 9 वाट का जो LED लाइट है उधर एक यूज करता था, और उधर मैं 20 वाट का एक यूज कर लेता था ट्यूब लाइट। लेकिन दोस्तों मुझे इसमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जब भी मैं बहुत सारे रिसर्च किया कि मुझे सस्ते में क्या मुझे अच्छा चीज़ रहेगा, जबकि मेरे पास दो स्टैंड थे जो मैं तकरीबन जो यूट्यूब करियर को शुरू करने के कुछ ही दिनों पहले मैं जो खरीदा था। क्योंकि दोस्तों मुझे आप सभी लोगों को पता है कि मैं पहले ग्रीन स्क्रीन यूज करता था, उसके बाद मैंने डायरेक्टली सेटअप के ऊपर स्विच किया। लेकिन दोस्तों मेरा स्टैंड जो बचा हुआ था, मैंने सोचा ये दोनों स्टैंड को थोड़ा बहुत यूज करूँ। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा हूँ कि दोनों स्टैंड मेरा कैसा है। दोस्तों, ये सिंपेक्स का दोनों स्टैंड है, तकरीबन तकरीबन दोस्तों मुझे 2000 रुपीज़ में मिला ये दोनों स्टैंड, और ऊपर का मुझे बार भी मिला था। अगर आप ऊपर का जो बार जो अगर ग्रीन स्क्रीन के लिए आपको नहीं चाहिए तो नॉर्मल आपको 1500 से 1600 रुपये के अंदर आपको ये दोनों आपको स्टैंड देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद मेरा जो मेन चुनौती था कि लाइटिंग सेटअप उसको कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए कम दाम में। क्योंकि दोस्तों मेरा यूट्यूब पे इतना ज़्यादा इनकम नहीं है, मेरा फ्लिपकार्ट अफिलियट का इनकम इसी महीने ही 5000 रुपीज़ के आसपास आया था। तो मैंने सोचा मैं लाइटिंग सेटअप थोड़ा बहुत इंप्रूव कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने यूज किया दो सोनिया का यहाँ पर अम्ब्रेला रिफ्लेक्टर। जो मैंने अम्ब्रेला रिफ्लेक्टर यूज किया तो उसको स्टार्ट करने के लिए मैं तकरीबन सिंपेक्स का जो दो जो अम्ब्रेला जो स्टार्ट जो किट आता है जो अम्ब्रेला को होल्ड करने के लिए और जो बल्ब को होल्ड करने के लिए, उसको मैंने दो खरीद लिया। तो हो गया मेरा अम्ब्रेला सेटअप कंप्लीट। मतलब दोस्तों मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ पर करना नहीं पड़ा, मैंने दोनों जो अम्ब्रेला लाइट यहाँ पर लगाए हुए हैं दोस्तों, दोनों अम्ब्रेला मुझे तकरीबन 460 रुपये के आसपास मिले, मैंने कॉम्बो पे खरीद लिया। और यहाँ पर आपको जो मुझे उसको कनेक्ट करने के लिए जो अडाप्टर मुझे चाहिए था, मतलब जो बल्ब होल्डर मुझे चाहिए था, तकरीबन दोस्तों मुझे ये मिल गया 350 रुपीज़ का एक मिल गया। मतलब दोस्तों 700 रुपये का मुझे दो अम्ब्रेला होल्डर भी मिल गया। और मुझे यहाँ पर ये चुनौती आ रहा था कि ये प्रॉब्लम्स मुझे आ रहा था जब मैंने अम्ब्रेला लाइट यूज़ तो कर लेता था, लेकिन दोस्तों उसका जो बल्ब है वहाँ पर E22 का बल्ब लग रहा था, सॉरी E27 का बल्ब लग रहा था, जबकि मेरे पास तो E27 का बल्ब था ही नहीं। तो मैं क्या करता, तो मैंने E27 से B22 को कन्वर्ट करने के लिए एक बल्ब होल्डर ले लिया, तो वहाँ पर भी मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा लाइटिंग सेटअप कितना कम दाम में कितना अच्छे तरीके से हो गया। ये स्टैंड को मैंने आपको अगर आपको बताऊँगा तो 1500 रुपये का आपको दो स्टैंड डेफिनेटली आपको अमेजोन में देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लाइट स्टैंड के लिए आपको दे दूंगा। दो अम्ब्रेला रिफ्लेक्टर 460 रुपये के आसपास मिल जाएंगे, और ये 700 रुपये का है। और जो मैंने दो लाइट जो यूज किया हूँ CFL का 28 वाट का मैंने यूज किया हूँ, और भी मुझे तकरीबन अच्छा खासा रिजल्ट दे रहे हैं। दोस्तों आपको ये लाइटिंग सेटअप कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम रेट के अंदर मैंने ये सारे सेटअप को तैयार कर लिया। तकरीबन मुझे तो तकरीबन 1000 रुपये के 1200-1300 रुपये के आसपास मुझे शॉपिंग करना पड़ा, लेकिन दोस्तों ये मुझे सारा सेटअप मेरा कंप्लीट हो गया, जबकि मेरा स्टैंड दोनों मेरे पास पहले से ही था। लेकिन दोस्तों अगर आप स्टैंड फिर से बाय करना चाहते हैं तो तकरीबन दोस्तों 3000 के अंदर आपको ये वाला जो लाइटिंग सेटअप है आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों पहले क्या होता था, मेरा जो लाइटिंग है बहुत ही ज़्यादा शेडो आ रहा था। आप भी अभी देख रहे होंगे मैं अभी हाथ ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कुछ कुछ ज़्यादा शेडो नहीं आ रहा है। मतलब दोस्तों ये जो अम्ब्रेला रिफ्लेक्टर है काफ़ी हद तक शेडो को भी रिमूव कर रहा है, और कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे वीडियो क्वालिटी को भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। दोस्तों जो बैकग्राउंड सेटअप के बारे में बात करें तो ये बहुत ही जल्दी ये भी चेंजेस होगा। इसमें मैं बहुत ही भारी वर्कम चेंज करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये जो सेटअप है मैं बिल्कुल ग्रे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही जल्दी 4-4 दिन में आपको जो सेटअप है और भी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चलो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।